राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक भी अब सुरक्षित नहीं है। चुनावी साल में पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के खासम खास विधायक मुकेश भाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने नागौर के लाडनू से कांग्रेस विधायक को धमकी भरा कॉल किया है, जहां बदमाश ने इंटरनेशनल नंबरों से कॉल कर विधायक मुकेश भाकर को धमकी दी है। लेकिन सूबे में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद विधायक की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, जिसे लेकर विधायक भी अब चिंता में हैं। हालांकि मुकेश भाकर के पास धमकी भरा कॉल बीते 3 अप्रैल की रात 11 बजे आया था, लेकिन थाने में रिपोर्ट 7 अप्रैल को दर्ज हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार विधायक मुकेश भाकर के पास अनजान नंबरों से कॉल आया था, जिसमें उसने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि धमकी के पीछे वजह क्या थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसे लेकर जब राजस्थान तक के रिपोर्टर विशाल शर्मा ने मुकेश भाकर से बात की तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। क्या कब कॉल आया, कौन था, क्या नाम बताया था? ये भाई साहब 3 तारीख को रात को कॉल आई थी 11 बजे। हाँ, और वो फोन करते ही बोलने लग गया कि गोली मार जाऊंगा और इस तरीके से। अच्छा, तो मैंने बोला कौन बोल रहा है? मैं रोहित बोल रहा हूँ, रोहित गोदारा। हाँ। और बोले तू ये आखिरी चेतावनी मान लेना तेरे लिए। अच्छा, मैंने कहाँ से बोल रहा है? हाँ। तो फिर उसने फोन कट कर दिया। हम्म। फिर मैंने वापस लगाए 2-3 कॉल उसको। हम्म। तो उसने उठाए नहीं। फिर मैंने एसपी को फोन रात को ही व्हाट्सएप कर दिया था। हम्म। ये सारा। आप उस टाइम कहाँ थे? मैं दिल्ली था उस समय, तो वो हनुमान जी के वहाँ प्रोग्राम में जा रहा था। बेनीवाल के बच्चे के बर्थडे में। हाँ, बर्थडे में गया था। तो फिर मैंने एसपी को दे दिया था। फिर मैं जैसे 5 को पहुंचा वहाँ लाडनू, 2 दिन तो बाहर था, तो फिर पहले एसपी से मिला था मैं 4 को। 4 को तो उनके जन्मदिन था। हाँ। 5 को एसपी से, इनसे कलेक्टर से मिलकर बात करी उनसे। तो उन्होंने कहा हमने टीमें रवाना कर रखी है, उसकी डिटेल निकाल रहे हैं कोई इधर उधर। मैंने इसको इसलिए मैंने कहा ओपन नहीं करें जब तक कोई गिरफ्तार हो जाए, नहीं तो मीडिया वीडिया में आने के बाद वैसे भी वो इधर उधर हो जाएंगे। हाँ। फिर इनके यहीं से थाने से ये लीक हो गई चीज, जो एफआईआर थी ना। आपने सुरक्षा मांगी? आपने सुरक्षा तो अब ये तय करें फिर उसको पूरा करके। मैंने और भी इसकी चीजें काफी है पीछे, वो मैंने उनको बोला है पुलिस को। तो वो खंगाल रही है अभी। तो अभी एक बार 2-3 दिन देखते हैं इनका क्या रवैया रहता है, तो फिर तो मैं इसको बड़े लेवल पे करूंगा इसकी बात। आपको बता दें कि रोहित गोदारा राजस्थान में लॉरेंस विश्नोई गैंग का पूरा नेटवर्क संभाल रहा है। बीकानेर के लूणकरणसर का रहने वाला रोहित गोदारा कालू क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। गोदारा गुठली और मोनू और भी गैंग को संभाल रहा है। उसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्जनों केस हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के दर्ज है, जिसकी वजह से रोहित की 4 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। यही नहीं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी रोहित का नाम ही सामने आया था, और रोहित ने ही सीकर से मूसेवाला के शूटर्स को बुलर दुलाई थी। इसके साथ ही राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी। वहीं रोहित ने पिछले साल जयपुर में एक बिजनेसमैन से 17 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। हाल ही में जयपुर के जी क्लब के मालिक पर भी फिरौती नहीं देने पर शूटर से फायरिंग करवाई, जिसमें जयपुर पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई को पंजाब जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर लाकर पूछताछ की थी। लेकिन अब रोहित गोदारा ने विधायक मुकेश भाकर को धमकी दे दी है। हालांकि पुलिस हर बार की तरह रोहित गोदारा के नेटवर्क को खंगालने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। नंबरों के विवरण के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक विधायक मुकेश भाकर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, जिसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।